लेकिन इस वक्त एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च किया जा रहा है, इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तख्तियां लिए आगे बढ़ते हुए, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे उधर डॉक्टर्स तो लगाते ही हैं, लेकिन यहां शुभेंदु अधिकारी, तमाम जो उनके सपोर्टर्स हैं, कुछ और संगठन जो हैं जिनका साथ उनको मिला है, वो इस वक्त सड़कों पर हैं, वो तख्ती लिए आगे बढ़ते हुए उस बेटी के लिए न्याय की मांग यहां पर कर रहे हैं। ममता सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ममता की पुलिस, ममता सरकार सवालों के घेरे में। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, मार्च और प्रदर्शन तो हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि हो रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर सो रही है। जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन होने को हैं लगभग, और आप देखेंगे कि कोई भी तस्वीर बदली नहीं है। उसी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, कोलकाता की सड़कों पर हो या देश के दूसरे राज्यों की सड़कों पर, कुछ बदला नहीं है। बदला सिर्फ इतना है कि गुस्सा प्रोटेस्टर्स के बीच में और भी बढ़ रहा है। वो इस लिहाज से बढ़ रहा है कि वो जिस जस्टिस की मांग कर रहे हैं वो जस्टिस उन्हें नहीं मिल रहा। अगर कुछ उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को CISF के कर दिया, और आज हमने सभी ने देखा कि कैसे DIG वहां पर पहुंचे, तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है, कितने डिप्लॉयमेंट कहां कहां करना है उसकी जानकारी ली गई है। तो अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। साथ ही प्रिंसिपल को लेकर बहुत गुस्सा है डॉक्टर्स के बीच में, कि उनका यह कहना है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि CBI कार्रवाई की बात वो लगातार शुरू से कर रहे थे, लेकिन एक सवाल आज कुछ प्रोटेस्टर्स ये भी बोलते हुए नजर आए कि अगर डाउट है तो CBI उन्हें रिलीज क्यों करती है रात को, फिर सुबह सम्मन करती है तो पूछताछ के लिए आते हैं। 6 दिन हो गए, कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकला। हालांकि CBI का कहना है डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है, कल स्टेटस रिपोर्ट CBI सुप्रीम कोर्ट पे दाखिल करेगी, उस पर सबकी निगाहें हैं। उम्मीद सबकी निगाहें हैं, आखिर उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या ऐसा मेंशन किया जाता है। कल वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है कोर्ट में। बिल्कुल जतिन, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगातार सुबह से वो उस मार्च पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ किस तरह से BJP इस पूरे मामले को मुखरता के साथ उठा रही है, लेकिन अभी क्या आप देख रही हैं वहां पर पुनीता? हम देख रहे हैं यहां शुभेंदु अधिकारी भी एक मार्च निकाल रहे हैं इधर। देखिए हिमानी, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स का, वो अभी फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि अंदर जो है आधे घंटे तक की मीटिंग चली, जो उनकी मांग थी उन्होंने अपनी मांग जो मेडिकल बोर्ड के सामने रखी थी, हालांकि उनकी मांगों को नहीं माना गया। हालांकि जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना है कि अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी कुछ कहा जाएगा इसके बाद हम आगे फैसला लेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। साफ तौर पर देखिए आक्रोश जो है, नाराजगी है, सभी में देखने को मिल रही है, खास करके जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अस्पताल के अंदर इस तरीके से जघन्य वारदात होती है तो आखिर महिला सुरक्षित कहां पर है, और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए बार बार जिस प्रदेश की मुखिया जो है महिला होती है उसी प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, तो सवाल उठना लाजमी है। और इसी को लेकर लगातार देखिए गुस्सा, नाराजगी ना सिर्फ डॉक्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो बर्बरता की गई है। और लगातार जिस तरीके से आप बता रहे थे कि तीन किरदार है, देखिए तीन किरदार जो अभी तक सामने आए हैं, आप यकीन मानिए कि अगर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कड़ी दर कड़ी जुटी जाएगी, किरदार है वो कौन, कितने और चेहरे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल पुनीता, नजर बनाए रखे, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी जतिन, शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जांच के बीच जांच, कुछ तो गड़बड़ है। रेप मर्डर मामले में CBI जांच कर रही है, जांच के घेरे में कौन है? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको हम आपको दिखा रहे थे किरदार नंबर 2। CBI जांच के बीच बंगाल पुलिस एक्टिव है, पहले एक्टिव नहीं होती है लेकिन अब एक्टिव हो जाती है। जांच के बीच में एक और जांच, संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है, SIT गठित कर दी गई है, और उसके बाद सवालों में है ममता सरकार कि इतने वर्षों तक आपको भ्रष्टाचार की भनक नहीं लगी, क्यों नहीं लगी आप? संदीप भ्रष्ट था तो किसके कहने पर ट्रांसफर किया गया, और क्यों वो ट्रांसफर किया गया जांच के बीच में? क्या CBI की जांच प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए वो तमाम सबूत और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं
कि वहां चेस डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ कर दी जाती है और रेनोवेशन का उसको नाम दिया जा रहा है। अब सीबीआई को यह बताया जा रहा है पूछताछ में, संदीप घोष को बचाने का नया पैंतरा तो नहीं है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं ममता सरकार से कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जांच के बीच जांच जो पहले नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी की जो आज पिक्चर में आया है, किस तरह से ये तार जुड़े ये बताते हैं। आरूप दत्ता इस तीसरे किरदार का नाम है, रेप मर्डर कांड का तीसरा बड़ा किरदार ये है, पश्चिम बंगाल पुलिस में एएसआई के पद पर है। आरूप दत्ता कांड वाली रात जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन संजय रॉय ने आरूप को कई कॉल किए, पुलिस वालों के साथ संजय राय का उठना बैठना था, वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आई और उस तस्वीर में साफ तौर पर संजय रॉय नजर भी आ रहा है उनके साथ और आरूप दत्ता भाई उसमें है। 2019 में संजय रॉय की भर्ती सिविक वॉलंटियर के रूप में हुई थी, लेकिन संजय ने वहां कभी काम नहीं किया, कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करने लगा उसके बाद वो, आरूप दत्ता के साथ रूम शेयर करता था। अब सोच लीजिए आप, संजय रॉय के साथ आरूप दत्ता की तस्वीरें वायरल है। सीबीआई ने कल आरूप दत्ता से भी कई घंटे तक पूछताछ की, इस केस में आरूप दत्ता भी सवालों के घेरे में हैं। क्या बचा रहे थे, क्या उनको पहले से ही पता था, क्यों आखिर इतने फोन कॉल कर रहा था संजय रॉय, क्योंकि उसको पता था कि वो बच जाएगा। जब गिरफ्तारी भी होती है तो उसी बैरक से होती है, आरूप दत्ता के बैरक से ही होती है, ये तमाम चीजें क्या बताती है। कल सीबीआई ने भी कई घंटे तक पूछताछ की इन्हीं आरूप दत्ता से। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये किरदार नंबर तीन की जो हम यहाँ पर बात आपको कर रहे हैं कि कैसे आज पिक्चर में ये एंट्री होती है, ये तीसरा किरदार जो है सामने आता है। हालांकि ये तीसरा किरदार तो कल ही सामने आ गया था जब सीबीआई ने पूछताछ की थी। ये आरूप दत्ता को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो तमाम पुलिस वाले यहाँ पर हैं और साथ ही साथ संजय रॉय को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आरोपी जो इस पूरे मामले में है और किरदार नंबर एक। तो आप ये समझिए किरदार नंबर एक और किरदार नंबर तीन। पड़ोसी भी कह चुके हैं अगर आपको वो तमाम जो आरोप है वो याद हो, वो सवाल जो है वो याद हो कि किस तरह से जब उनकी माँ से हमारे सहयोगी ने बात की, जब उनके पड़ोसी से बात की, तो वो बताते थे कि पुलिस की वर्दी में नजर आता था, पुलिस की गाड़ी छोड़ने आती थी, आरूप दत्ता के साथ कई बार वो देखा गया था। तो क्या क्या कनेक्शन था, और अगर आरूप दत्ता जो एसआई हैं बंगाल पुलिस में उस पद पर हैं और अगर वो संजय रॉय के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर किस तरह से और कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस को ये पता था और कैसे कैसे उसे बचाने की कोशिश जो है वो दरअसल की जा रही थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ कड़ी दर कड़ी जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है तो वो तमाम चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, उन किरदारों से पर्दा उठ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंसाफ की मांग की जा रही है, न्याय की ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है उन सड़कों पर, सिर्फ कोलकाता की सड़कों पर नहीं बल्कि देश भर में इंसाफ की मांग और सड़क पर है भगवान। वो भगवान जिनको आप भगवान कहते हैं, वो डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, कोलकाता में जारी है डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन। कितने ही आश्वासन दे दिए जाए, कुछ भी कर लिया जाए, कोई भी बैठक हो, लेकिन अभी तक उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन 9वें दिन भी आज जारी रहा। तो आप ये देखिए कि 9 दिन हो चुके हैं इस मामले को और किस तरह से अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर डॉक्टर्स ने आज धरना दिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वहां जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है संदीप घोष से। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष से ये पूछताछ हो रही है, कल आरूप दत्ता से भी हुई थी, पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। इससे पहले भी जब उन पर आरोप लगे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ममता सरकार से कोई उम्मीद नहीं है ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। भाई जब उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके नेता उंगली तोड़ देने की बात कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, तो फिर उनसे उम्मीद और कर भी क्या सकते हैं। पुलवामा से वो कंपेयर कर देते हैं इस कोलकाता कांड को। तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो स्थिति है वो बंगाल में यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन जो कर रहे थे डॉक्टर्स, वो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ये सीबीआई दफ्तर के बाहर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर जो प्रदर्शन हुआ जहां आरोपी किरदार नंबर दो संदीप घोष से पूछताछ हो रही है।